महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड मामले में वीआईपी के नाम उजागर करने, कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों की मांगों की सुनवाई न होने को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन देहरादून में हुआ, जहां महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ नारा लगाते हुए सचिवालय के लिए कूच किया। पुलिस प्रशासन की तरफ से महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेटिंग कर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन इसमें नाकामयाब रहा। प्रदर्शन को लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए अंकिता हत्याकांड में सरकार से वीआईपी के नाम उजागर करने की मांग की। साथ ही कांग्रेस नेता सोनिया आनंद ने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। धामी सरकार के मंत्री सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही, कोई किसी से छुपा नहीं है, लेकिन आज गुंडागर्दी का जो एक नाम आया है सामने, और ये एक पहली बार नहीं है। ये प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने कई उनके कार्यकर्ता मुझे भी पर्सनली बताते हैं कि बहुत गुस्सेबाज हैं, लेकिन राजनीति में क्या आपका गुस्सा क्या करेगा? अरे भाई, आप जमीन पे काम करके दिखाइए, जमीनी हकीकत क्या है आपकी। आप जमीनी हकीकत को दबा करके एक आम कार्यकर्ता, आपने शायद देगी जी के बारे में सुना भी होगा कि वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं ऋषिकेश में, उनको मारने की कोशिश की जा रही है, आप दबंगई दिखा रहे हैं, आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारी अध्यक्षा जी ज्योति रौतेला जी के नेतृत्व में आज हम लोग पूरा महिला जो है अपना ताकत दिखाएगी कि इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।